टाइटल चलता है और मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, एक रुपए नहीं कमाया पूरी पार्टी से, ना मैं लूट लिया, अगर पैसा लिया किसी को पत्र ही देता है। और हमारे टिकट हमारा जब हुआ था हमने बहुत संघर्ष किया था, हमें टिकट मिला था, रायकवार समाज को मंच में स्थान दिया है और न रायकवार समाज को कोई स्थान देने का जैसा, हमारा टिकट 3 लाख रुपए बेच दिया गया था। मैं वार्ड नंबर 19 से हूं चंद्र रायकवार। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र। आज 15 तारीख है यानी 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी का आज जन्मदिन होता है और पूरे सूबे में मनाया जाता है। बहुजन पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं बड़े धूमधाम से इनका जन्म दिवस मनाते हैं। और इस उसी कड़ी में झांसी में भी बड़ा भव्य आयोजन किया गया जिसमें उनके जन्मदिन को मनाया गया और साथ में जो वहाँ घटा है वो एक सोचने का विषय बना। जिलाध्यक्ष पर बड़े गंभीर आरोप लगे और पूरे प्रोग्राम की छीछी लेदर कर दी, पूरा सिस्टम बिल्कुल हिल गया, मंच पे जो भी आसीन था वो सब हिल गए। कहानी के पीछे की वजह अभी तक हमें भी कोई जानकारी खास नहीं मिल पाई है, लेकिन जो वीडियो फुटेज मिला है जिस व्यक्ति ने हंगामा किया है वो हमें प्राप्त हुआ है। आप देखिए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिला पदाधिकारी जो भी हैं इसमें कई लोगों के नाम वो चीख चीख कर चिल्ला रहा है। आप देखिए पूरा वीडियो क्या कुछ कह रहा है। अच्छा, बगैर पैसे लिए किसी को पत्र ही देता है। और हमारे टिकट हमारा जब हुआ था हमने बहुत संघर्ष किया था, हमें टिकट मिला था, नहीं तो हमारा टिकट 3 लाख रुपए बेच दिया गया था। मैं वार्ड नंबर 19 से हूं चंद्र रायकवार। अब आपका अपना शेर है झांसी, मेरा टाइटल चलता है और मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, एक रुपए नहीं कमाया पूरी पार्टी से, इन्हें मैं लूट लिया, इन्हें हजारों रुपए मेरे खर्च करा दिए, लाखों रुपए का समय खर्च करा दिया मेरा और लाखों रुपए का मेरा पूरा शरीर खराब कर दिया। पार्टी के लिए मैं करता हूँ ना, तो रायकवार समाज को मंच में स्थान दिया है और ना रायकवार समाज को कोई स्थान देने का ये सोच रहे हैं। हम कहते हैं अभी पहले मैं पूर्व विधानसभा महासचिव था, जिला सचिव था, उसके बाद जो हमें कोई पद नहीं दे रहे और चूतिया बना रहे हैं बस, और ना मंच पे हमें कोई पद देने का काम। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।